नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। साथियों, आज आपके लिए राजस्थान की नई वैकेंसी लेके आए हैं जो कि बहुत ही बड़ी और अच्छी वैकेंसी यह होने वाली है। यह वैकेंसी होने वाली है निदेशालय गृह राजस्थान जयपुर, ठीक है। होम गार्ड की भर्ती आपके लिए लेके आए हैं फायर ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पर। पहली बार दूसरी भर्ती के बारे में बताया जा रहा है, तो वीडियो पर आप एंड तक देखना, बहुत अच्छी होने वाली है। और नॉर्मल यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 9/1/2023 को जारी किया गया था, ठीक है। इसके अंदर पूरी डिटेल्स बताई गई है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जैसे कि आने वाली प्री फायर से संबंधित और गवर्नमेंट अपडेट राजस्थान की, उसका अपडेट आपको मिल सके। तो इसके अंदर यह बताया गया है कि विभिन्न जिला प्रेक्षण केंद्र सीमा गृह रक्षा दल की बटालियन कंपनियों में सेवकों को 3842 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए योग्य अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यह पद रिक्त हैं, ठीक है। जो आपके जो ये विज्ञप्ति है वेबसाइट और समाचार पत्र पर प्रकाशित होने के बाद 12/1/2023 मध्य रात्रि से भरना शुरू हो जाएगा, और इसकी लास्ट डेट होगी 11/2/2023 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर हम पूरी डिटेल्स जान लेते हैं, जो मोस्ट अपडेट है वह जान लेते हैं, और आप किस प्रकार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपकी आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है, SSOID के द्वारा आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा। जो भी राजस्थान की वैकेंसी होती है SSOID के द्वारा भरा जाता है, और SSOID पर उसका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाता है। जो आपका परीक्षा शुल्क होगा वह नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जमा करा सकते हैं, या आप ई मित्र के द्वारा भी अपना फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इसमें जो हार्ड कॉपी या अपने हाथ से भरे गए आवेदन को विभाग के द्वारा यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फोटो अपलोड करनी है, जो कि हाल ही में खींची हुई नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, जिसका साइज 50 KB से 100 KB यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर हस्ताक्षर के बताया गया है 20 KB, 50 KB से आपका हस्ताक्षर यहाँ पर होना चाहिए। जो आपकी फ़ोटो होगी उसके अंदर जो यह विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक और उसकी लास्ट डेट उस फोटो पर अंकित होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वह रद्द भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई भी गलत सूचना दे दी है या गलत फॉर्म भरा गया है, तो उसको परीक्षा में रद्द कर दिया जाएगा, यानी परीक्षा में प्रवेश नहीं कराया जाएगा, ठीक है साथियों। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा शुल्क होने वाली है, सामान्य और पिछड़े वर्ग यानी जनरल OBC कैंडिडेट की यहाँ पर 250 रुपये होने वाली है, और अनुसूचित SC ST AWS MBC के जो अंतर्गत आते हैं उनकी 200 रुपये यहाँ परीक्षा शुल्क होने वाली है। यहाँ पर कोई भी आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, इंटरव्यू और आपकी शारीरिक दक्षता मेडिकल के अनुसार यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। देख लेते हैं कि शारीरिक दक्षता का जो परीक्षा प्रवेश पत्र है वह भी SSOID, ठीक है, SSOID पर ही आपको जो शारीरिक दक्षता है उसका प्रवेश पत्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो नामांकन हेतु रिक्त पद है उनके अंदर आपको यहाँ पूरी डिटेल्स बताई गई है, कहाँ कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर पूरी डिटेल्स ग्रह वाइज बताई गई है, ठीक है। ये बताई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स। आप नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके अच्छी तरीके से अपने जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल को पढ़ना, वह पूरी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ कौन कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट पूरी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आपके नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, जो आपका परीक्षा केंद्र है उसके बारे में बताया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है 7 दिन पूरा हुई आपका जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से अपने सेंटर तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर आरक्षण के लिए बताया गया है कि अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 12% यहाँ पर मिल रहा है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर जो स्टूडेंट आएंगे उनको 21%, और जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS आते हैं उनको 10%, और MBC के अंदर आते हैं उनको 5%। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है, क्या आरक्षण मिलने वाला है आप नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से देख लेना। जो भूतपूर्व सैनिक आने वाले हैं यानी जो एक्स सर्विसमैन है वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो TSP क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति एवं शहरी आदि के लिए जो भी छूट दी गई है वह इस नोटिफिकेशन में इनके लिए पॉइंट बताया गया है, नोट बताया गया है, उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मानदेय की बात कर लेते हैं, जो जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान जो वर्तमान के अंदर चल रहा है 693 रुपये प्रति दिवस होम गार्ड के तौर पर नियोजन होने पर एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर यह देय होगा, ठीक है, यह मानदेय दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड नियमावली 1962 के अनुसार यहाँ पर 5 वर्ष के लिए यह सदस्य प्रदान की जाती है, एवं 5 वर्ष के बाद आपको पुनः ही नामांकन कराना होगा, वापस यह पूरी प्रोसेस होने वाली है। पुनः आपको नामांकन कराने के लिए आपकी जो योग्यता छूट यहाँ पर बताई गई है, जो स्टूडेंट ग्रहणी ग्रामीण गृह अभ्यर्थी के निवास संबंधी योग्यता हेतु
उसको उस जिले का निवास करने का तहसीलदार तहसीलदार द्वारा वहाँ का प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अगर जो स्टूडेंट सीमा करे अभ्यर्थी में निवास से संबंधित योग्यता हेतु जिस सीमा में रक्षा दल कंपनी रिक्त विरोध के आवेदन किया है उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर के परिधि में आने वाले ग्राम पंचायत के मुख्यालय में अधीन तहसीलदार जो निवास करते हैं उनसे वह प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। आपकी न्यूनतम योग्यता है 8वीं पास, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आयु सीमा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो आपकी आयु सीमा रहने वाली है 1/1/2023 से आपके आयु को काउंट किया जाएगा और 18 से 35 वर्ष तक के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ष से ऊपर के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट है 1/1/2005 के बाद तथा 1/1/1988 से पूर्व का यह जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके शारीरिक मापदंड के बारे में, जो कि महिला पुरुष दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पुरुष की जो हाइट मांगी गई है, ऊंचाई मांगी गई है 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और सीना मतलब चेस्ट पुरुषों को फुलाना है, बिना फुलाए तो 81 सेंटीमीटर आपको जो नॉर्मल आपको नापेंगे, उसके बाद आपको फुलाने पर 86 सेंटीमीटर आपको आपकी सीना कम से कम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको वहाँ पर फुलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो वजन है केवल महिलाओं का वजन मापा जाएगा, 47.5 किलोग्राम आपका यहाँ पर वजन होना चाहिए। जो स्टूडेंट 12 जिले के अंतर्गत या शहरीय हेतु के अंतर्गत आते हैं उनकी यहाँ पर छूट मिलने वाली है हाइट चेस्ट में सब में। ठीक है, 160 सेंटीमीटर तो होने चाहिए पुरुष की और 145 सेंटीमीटर होने चाहिए महिला कैंडिडेट की। बिना फुलाए सीना होना चाहिए आपका 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर आपका 79 सेंटीमीटर यहाँ पर उनका होना चाहिए। आपका वजन यहाँ पर मांगा गया है 43 किलोग्राम जो महिला कैंडिडेट का होने वाला है। जो साथी या जो स्टूडेंट अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनको हाइट के अंदर चेस्ट के अंदर यहाँ पर छूट दी जा सकती है, वह आप देख सकते कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके देख लेते हैं जो मेडिकल होने वाला है चिकित्सीय मापदंड, यानी मेडिकल आपका होने वाला है अभ्यर्थियों की दोनों आँख बिना चश्मे के 6x6 यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों का मानसिक रूप जागरूक होना चाहिए, मतलब स्वस्थ स्टूडेंट यहाँ पर होना चाहिए, रोग से मुक्त होना चाहिए, पूरी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि अभ्यर्थियों के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए। मेडिकल के समय घुटने में आपस में टकराव, नस फूली नहीं होनी चाहिए, तत्वंदी या बीमारी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ अभ्यर्थी होना चाहिए। ठीक है, नामांकन के लिए अयोग्य एक से अधिक जीवित पति पत्नी हो, ठीक है, वह इस ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो ये पूरी डिटेल्स आप पढ़ लेना कौन कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नामांकन हेतु आपकी जो चयन प्रक्रिया होने वाली है उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। चयन प्रक्रिया के अंदर पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच जो होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर यहाँ पर बताई गई है। मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू हो उनकी स्वयं की प्रमाण पत्र यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अपने हस्ताक्षर होने चाहिए। शैक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो होगी सेल्फ अटेस्टेड। संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का मूल जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो आपको आयु प्रमाण पत्र बनाना होगा। उसके बाद आपके विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र बनाना होगा। जो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप ले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप बनवाए नया, फिर आपको ले जाना जरूरी है। जनजाति क्षेत्र में TSP शहरी क्षेत्र में संबंधित प्रमाण पत्र उनको यहाँ पर लागू होने वाला है। जो भी महिला को यह लागू होता है उनको यह प्रमाण पत्र बनाना होगा, जो इसके अंदर पूरी डिटेल से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके प्रथम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है, फिजिकल या PET। ठीक है, जो पंजीकरण में योग्य पाए गए यानी जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसके अंदर योग्य पाए गए हैं तो उन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में शामिल किया जाएगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में परीक्षा के समय गर्भवती है यानी प्रेग्नेंट है तो उनको सलाह दी जाती है कि वो इस परीक्षा में भाग न लें। पहले इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर प्रेग्नेंट होती है तो इस परीक्षा में भाग न लें, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ की वहाँ पर आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका शारीरिक दक्षता में होने वाला है, पुरुष वर्ग को 1000 मीटर आपको रनिंग करना होगा, अगर आप 3:90 के अंदर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 अंक मिलने वाला। पूरी डिटेल्स बताई गई है कितने अंक आपको मिलने वाला है, कितने समय के अंदर आप जब आप कंप्लीट करते हो। जो यहाँ पर फीमेल अभ्यर्थी है उनको 800 मीटर रनिंग करनी होगी, उनको भी यहाँ पर समय बताया गया है और अंक भी बताया गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए चिन्हप्स करना जो अनिवार्य है 10 चिन्हप्स करने होंगे जिसके अंदर 10 अंक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जो महिला वर्ग होगी उनको 4 किलोग्राम का गोला फेंकना होगा, 16 फीट तक फेंकना होगा जिसके अंदर 10 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप 14 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है, कम से कम आपको 14 फीट तो यहाँ पर गोला फेंकना अनिवार्य है। परीक्षा दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी जो भी यहाँ पर शारीरिक दक्षता होगा यहाँ पर सभी को एक ही अवसर यहाँ पर दिया जाएगा।
द्वितीय चरण होगा आपका यहाँ पर शारीरिक मापतोल परीक्षण होगा। तृतीय चरण होगा जिसके अंदर विशेष योग्यता मांगी गई है। अगर आपके पास एनसीसी का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर 6 अंक मिलने वाले हैं। अगर आपके पास कौन से ABC के अंदर कौन सा NCC का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको 6 अंक मिलने वाले हैं। अगर आपका कंप्यूटर शिक्षा में RKCL, RCIT, NCVT से प्राप्त ITI की जो प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर 4 अंक मिलने वाले हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन फीटर प्लम्बर मोटर गाड़ी के अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा या प्रमाण पत्र है ITI NCVT का, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है साफ NCVT का। फायरमैन का भी अगर आपके पास है NCVT का तो आपको यहाँ पर 3 अंक मिलने वाला है। अगर आपने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, अगर उसका आपके पास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। अगर आपके पास स्काउट प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय, राज्य, तृतीय, सोपान, उत्तीर्ण, इनका प्रमाण पत्र है तो भी आपको यहाँ पर 4 अंक मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आपके पास हल्का भारी मोटर वाहन चालक का अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसके भी यहाँ पर 4 अंक मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर टोटल किसी भी अभ्यर्थी की विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंकों का कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा, ठीक है साथियों। और आगे चलते हैं, जो आपकी चतुर्थ चरण होगा यानी चौथा चरण होगा उसके अंदर आपको मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण यानी अधिकतम उसके 5 अंक मिलने वाले हैं, मौखिक लिया जाएगा। उसके बाद आपका नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना की जाएगी जिसके अंदर 50 अंक होंगे। चयन सूची आपको नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थियों को उपरोक्त शारीरिक दक्षता, विशेष योग्यता और जो मौखिक होगा उसके परीक्षण के अंक दिए जाएंगे और मेरिट योग्यता सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। मेरिट के अनुसार आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आपके प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन यानी जो लास्ट का स्टेज रहने वाला है, यहाँ पर चयन सूची के लिए अभ्यर्थी की आयु, शिक्षा, मूल निवास एवं विशेष योग्यता इत्यादि में संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। वेरिफिकेशन रोल भरवाया जाकर आपका चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। इन सभी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज जमा कराओगे उन पर दिनांक होनी चाहिए। अगर इन सभी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो यानी सत्यापन में आप सभी सही पाए जाते हो तो इसके लिए आपको योग्य माना जाएगा, ठीक है। पूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिला प्रेक्षण केंद्र एवं सीमा गृह रक्षा कंपनी में जिस वर्ग के पद में रिक्त है उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार होंगे, ठीक है। जो मोस्ट टॉपिक थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अभी वैसे अब इसका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होना भी बाकी है, अगर आप कमेंट करोगे तो इसका जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा किस प्रकार आपको फिल करना है या आप ई मित्र से करवा सकते हो उसका पूरी डिटेल्स नेक्स्ट टुडे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में।